आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अनुष्का, ये दवाइयां। थैंक्स। एक मिनट, कुछ और भी देना है क्या? कबीर? नहीं अनुष्का, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लायक मुझे समझती नहीं हो तो इस शादी का कोई मतलब नहीं। कबीर, ऐसा मत करो प्लीज। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग अनुष्का, भरोसा रखो हम सब पे और इसकी बातों को इतना सीरियसली मत लो। देखना एक दिन खुद इसे एहसास होगा कि ये कितना गलत सोच रहा है। कम ऑन, बी स्ट्रॉन्ग। ये कबीर ने ठीक नहीं किया, ऐसे कैसे सगाई तोड़ सकता है वो? अनुष्का का कितना दिल दुखा होगा। हाँ काका, कितनी खुश थी वो इस शादी से, अब देखिए दिन भर चुप बैठी रहती है। ये भगवान जी भी ना सुख और दुख तोल मोल कर देता है। कबीर से मिली तो अपने भाई से बिछड़ गई, अब भाई वापस मिला तो कबीर ने मुंह फेर लिया। कबीर, ये सगाई तोड़ने का फैसला सही नहीं किया। अब अगर वो खुद नहीं समझता तो हमें ही कुछ करना होगा। कबीर ने सगाई तोड़ दी? हाँ। देखिए, मुझे लगता है कि वो बस अभी थोड़ा सा गुस्सा है, हमें उसे थोड़े वक्त के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि वो अनुष्का से कितना प्यार करता है। हमें भी ऐसे ही लगता है, देखते। बड़ी माँ सरस का है। बेटा आपके कमरे में होगा? नहीं, कमरे में नहीं है, मैंने देख लिया, मैंने पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं है। हे भगवान, कहीं चला तो नहीं गया? मुझे कह रहा था कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा, और दूसरों के घर ऐसे कब तक रहूं? मैंने उसे बहुत समझाया, मुझे लगा कि शायद समझ गया होगा, पर बड़ी माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने समझाया था उसे बेटा, पर वो यश, चल उसे बाहर जाकर ढूंढते, हम उसे देख कर आते। चल चल जा बेटा, चल। देखो राइट लेकर, भाई साहब, भाई साहब, आपने अपने इस आदमी को यहाँ कहीं देखा है क्या? कहीं आते जाते कहीं? प्लीज thank you.
यश, ये कोई तरीका है क्या? ऐसे बिना बताए कोई घर से बाहर आता है? तुम्हें पता है हम सब कितना परेशान थे। I'm sorry, पर आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं हुई सरहस? तुम्हारा घर है वो, तुम्हारा परिवार है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या बोलती जा रही हैं? मुझे मुझे कुछ याद नहीं है, तो कैसे मैं आपके साथ जा सकता हूँ, कैसे आपके साथ रह सकता हूँ? इसीलिए क्योंकि मुझे देखने से पहले तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था। हमारा मिलना नामुमकिन था, पर फिर भी हमारे सुख दुख एक थे। प्रमाद मुझे तकलीफ पहुंचाता था, पर चोट तुम्हें लगती थी। पैसे दो वरना वरना किया ना किया ना किया। मुझे सुरक्षित रखने के लिए तुमने अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ मिटा दिया, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा प्यार है। चाहे वो गुमान हो, प्रशांत हो या फिर प्रमाद हो, हम सबसे लड़े हैं सरस, बट साथ मिलके। जब तुम्हें दीवार में चुनवा दिया गया था, तब हमारा प्यार तुम्हें वापस लाया सरस। सरस, 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 बाकी सब झूठ है, सिर्फ हमारा प्यार सच्चा है। ये हो सकता है कि जो आप कह रही हैं वो सब सही हो, पर सीरियसली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं यहां से जाना चाहता हूँ। सरस, हम दोनों की तकलीफ भी एक है, क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मुझे उदास नहीं देख सकते ना। हम कितनी भी कोशिश कर ले एक दूसरे से दूर होने की, हम हमेशा एक दूसरे के पास रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। एक बात बताएंगे, कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर आपको ऐसा लगता कि आपकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, तो क्या आप मुझे छोड़कर नहीं जाती? तुम्हें जरा सा दूर जाते हुए नहीं देख पाई, अपनी जिंदगी से कैसे जाने दे पाऊंगी तुम्हें? मैं नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मुझे हमारे प्यार पर विश्वास है। याद तो तुम्हें दिलाना था कुमार, कि कोई कितना भी आजमाए, हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। एक मिनट भाई साहब, आप जरा मेरी मदद कर दीजिए गाड़ी तक। हाँ, आप चलो, ये मदद कर देंगे। आइए आइए। भगवान करे सरस ने जैसा सोचा है वैसा ही हुआ हो। मुझे पूरा विश्वास है आज सरस जो चाहता था वही होगा। अभी अभी क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों खेल रहे हो? जाके बाहर जाके खेलो, किसी को लग जाएगी। अरे कबीर भैया, मुझे बहुत बोर हो रहा है, चलो ना हम बॉल से कुछ खेलते हैं।
कहाँ चले गए थे तुम? हम सब कितने परेशान थे। थैंक यू। वो मैं जरा टहलने निकल गया था। पर तुम्हारे पैरों का दर्द? बेटर है पहले से। अब मैं अभी आई। अच्छा, कहाँ चला गया था तू? एक्टिंग। एक्टिंग? मैं एक्टिंग करने लग गया हूँ। पता है अच्छी एक्टिंग करता है। थैंक यू। अच्छा बेटा, आजा, बैठ थोड़ी देर। आ। अच्छा। सीधा चल। ओ, हाँ। चल। तुम्हें कुछ याद हो ना हो सरस, पर मैं जो भूल गई थी वो तुमने याद दिला दी। हमारे रिश्ते का सच कि जब तक हम पास है हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मैं अभी जाके सबको बताती हूँ कि अब मैं सरस से दूर रहने की सोच भी नहीं सकती। चलिए मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। आंटी आप रहिए, बैठिए आप, मैं चाय बना लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू अपने भाई के साथ बैठना। आंटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बना लेती हूँ। क्या बात है, तुझे मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं है? माई मुझे तो बहुत पसंद है। तू चुप रे, मैं तेरी माई नहीं हूं। सॉरी भाई, अब तो दुखबा के हाथ की चाय पीनी है। अभी बनाती हूं। माई, अरे आप ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। अरे धीरे से बोलना, कुमुद ने सुन लिया ना तो पूरा नाटक बिगड़ जाएगा। अच्छा, आपको लगी तो नहीं? नहीं लगी। अगर कुमुद दीदी को पता चल गया ना कि आपका ये ड्रामा है, तो आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो गया, और उसके ऊपर से अगर वो सजा देंगी तो वो भी भुगतनी पड़ेगी आपको। अरे तू जानता है ना तेजदार को, उसके आंख कान बड़े तेज है, एक मिनट में चोरी पकड़ लेती है। सरस, ये याददाश्त भूलने वाला नाटक कब तक चलेगा? कल कुमुद का बहुत बुरा हाल हुआ था, दिल टूट जाता है बेचारे का। मैं समझता हूँ, मगर माई जितने भी पल हमने साथ में गुजारे हैं वो उसे दोबारा जी रही है, और उसे एहसास भी हो रहा है कि जो भी उसने सोचा है वो गलत है। देखिए मेरा विश्वास कीजिए कि हमारा मिशन जरूर सक्सेसफुल होगा। साची बात चीज, तू बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। अरे भाई कभी कभी तो हमें लगता है कि वाकई तेरी याददाश्त चली गई। सही कहा काका, आपकी एक्टिंग का फैन हो गया हूं मैं। थैंक यू। मजाक छोड़ो, अभी खिल-खिल कर रहे हो, कुमुद को पता चलेगा ना तब मुंह पे सन्नाटा छा जाएगा। हाँ सरस भाई, अब नो मोर रिस्क। अब मैं चाय बनाती हूँ। कुमुद, संभाल के बेटा। कुमुद, अच्छा बेटा, अच्छा माल के। हाँ जी जी जी।
आपकी दवाई का वक्त हो गया है। दवाई ली आपने? नहीं, अभी तो नहीं ली, लेनी है अभी। वैसे मेरा कमरा कहाँ पे है? किस तरफ है मेरा कमरा? उस तरफ। वहाँ? ठीक है। आई, बड़ी दर्द है। आई। डैनी, तुम कह रहे थे प्रेजेंटेशन है, दिखाओ। बाद में, जरूरी बात करनी है तुझसे। कबीर प्रॉब्लम को टालने से क्या होगा? हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन हर किसी को एक मौका तो मिलना चाहिए, और अनुष्का को तो मिलना ही चाहिए कबीर। वो तुझसे जितना प्यार करती है ना, कोई और नहीं कर पाएगा। झूठ बोलना उसकी मजबूरी थी, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फीलिंग्स बदल गई है। उसकी फीलिंग्स तेरे लिए जेन्युइन है कबीर। डैनी, जैसा तुम सबको लगता था वैसे मुझे लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सिर्फ एक धोखा था और कुछ नहीं। क्यों रिएक्ट कर रहा है? कुसुम ने मुझसे बातें छुपाई है, मैंने भी कभी उससे झूठ बोला है, लेकिन प्यार का मतलब माफ करना होता है कबीर। अगर तूने अनुष्का से प्यार किया तो अपना गुस्सा छोड़ और उसे समझने की कोशिश कर। बट आई होप तब तक देर ना हो जाए। यस डैड, या डैड आई एम फाइन। हाँ हाँ, मैंने रक्षाबंधन पर दीदी को गिफ्ट दे दिया था। हाँ हाँ, कबीर भैया ने दिलाया था। वो सुपर हीरो है डैड, और वही तो मुझे यहाँ लाए। ओके डैड, ठीक है, मैं रखता हूँ। इधर आओ। अपने डैड को किसी भी हालत में ये नहीं पता लगने देना कि ये सब हुआ था। फालतू में परेशान हो जाएंगे वो। ओके भैया, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा गिफ्ट बाहर वेट कर रहा है। कैसा गिफ्ट भैया? अब वो तो बाहर जाकर ही पता लगेगा। ठीक है भैया, चलिए। कम ऑन भैया, भैया चलिए। मेरे घर जाना है इंद्रराजा को। कोई मुझे मिलने नहीं आया। बोल ना इंद्रराजा को। इधर मैं बुरी औरत नहीं हूँ, इधर आना। नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मिलने नहीं आया मुझे। देख, ये जेल है, तू यहाँ से नहीं जा सकती। समझ बात को, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। तूने मेरे को जहर दिया था ना, तू मुझे मारेगी? भगवान को मारेगी तू? भगवान को मारेगी? Thank you.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।